बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इस बार 7 लोगों ने मिलकर पूरी एटीएम मशीन को ही चुरा लिया है। इस घटना से 1 घंटे पहले ही उस मशीन में 25 लाख रुपए डाले गए थे, ये जानकारी हमें बैंक से मिली है। पुलिस इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों की तलाश कर रही है। ये तू मुझे क्यों दिखा रहा है? आंटी अच्छी है कि नहीं? क्या तुम भी सेठ? ये 25 लाख की एटीएम मशीन चोरी करने वाला और कोई नहीं, मेरा दोस्त ही है। हाँ? पच्चीस लाख है सेठ, तुम्हारी तो निकल पड़ी। ये डैमेज कैसे हुआ? अरे वो पैसे निकालने के लिए रॉड से मशीन को मार रहे थे ना, और कुछ नहीं। हमें ऐसा कोई चाहिए जो मशीन को खोल सके, वरना सब बेकार। दरअसल बहुत बड़ी है ना मशीन, इसीलिए उठाकर यहाँ लाए। इस टाइम पर नहीं हो पाएगा, मंडे दोपहर तक कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। लेकिन मशीन को ऐसे ही यहाँ रखना सेफ नहीं होगा। मेरा गोडाउन है ना, वहां रखते हैं, सेफ रहेगा। और बाकी लोग का क्या करेंगे? कौन? इसका हमें और 5 लोग भी हैं, अगर एक भी पकड़ा गया सब खत्म। सबको 1-1 लाख देकर पीछा छुड़ाना पड़ेगा। अभी 5 लाख दे दो, बाद का बाद में देख लेंगे। 5 लाख? छोड़ो सेठ, चल बे। पार्टनर, रुक के क्या करना है? हम यहाँ 25 लाख छोड़ सकते हैं, ये हमें 5 लाख नहीं दे सकता। अरे भाई तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, देता हूं ना। शंकर, 5 लाख। सेठ जी, ये मशीन हमारे सामने ही खुलेगी। ठीक है भाई, नीचे के बदले ऊपर मार रहे थे। 5 देकर 25 मिले। हेलो, मैकेनिक आ गया? नहीं आया भाई, आते ही बता दूंगा। याद है ना, हमारे सामने खोलना पड़ेगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं भाई, ठीक है, सामने ही खोलना पड़ेगा। मैकेनिक भाई, 2000 और 500 के नोट अलग अलग ही रखना। और आपके दिमाग को म्यूजियम में रखूंगा। वो क्यों भाई? 25 लाख अंदर यही है। बेवकूफ वो नहीं है, तुम हो। ये एटीएम मशीन भी नहीं है, तुम्हें हार्ट अटैक देने की मशीन है डमी। बेटा क्यों है धर्मा? चकना ऑर्डर किया था क्या? नहीं पार्टनर, पर सामने से तो आ रहा है। मोमोस। हम लोगों को एक डमी मशीन देकर हमें धोखा दिया, हमारे पैसे वापस करो, नहीं तो मैं और पापा पुलिस के पास जाएंगे। चलो पापा पुलिस के पास चलो, चलो पापा चलो, चलो पापा, पापा चलो, जाओ जाओ पापा जाओ, आपका बेटा बुला रहा है, जाओ। पुलिस के पास गया तो हमारे साथ तेरे पापा भी क्या है, किंडर जाए। लुच्चे कहीं के, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। अगर हम लुच्चे हैं तो तू क्या है बे? मैकेनिक अभी तक आया नहीं, एटीएम मशीन अभी तक खोली नहीं, तो मशीन के अंदर पैसे नहीं है कैसे पता चला तुझे और तेरे पापा को? इधर कौन अच्छा कौन लुच्चा, मेरा बच्चा, सब एक ही पापा से पैदा हुए हैं ना, तो एक ही जैसे होंगे। अरे हाफ पेमेंट तो दे दे भाई। आठाना भी नहीं है, आपका पूरा पैसा कुरकुरे। पूरा पैसा खर्चा कर दिया क्या?
कैसे भाई? सिगरेट की तलब लगी और ये तोंदू कब से मुझे यहाँ वहाँ घुमा रहा है। आधी तोड़ के फेंके क्यों? धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है। हाँ तो? आधी फेंकूंगी तो आधी तो बचूंगी ना मैं। आ? कुछ भी। बेबी आइसक्रीम चबा के खाना। बेबी सांड के जैसा दिखता है, बेबी है क्या? अबे रिटायर्ड बैंक मैनेजर है, दबा के माल खाया है। बीवी मर गई है, शादी बनाएगा मुझसे, कहता है सपने में आती है मैं, शिमला ले जाएगा मेरे को। एक बार क्रेडिट कार्ड मिल गया ना, पूरा बैंक खाली। कम पेट भरेगा, पर भरेगा तो, है ना? मैं नहीं दिखा क्या? इसका क्या करूं? चल सेल्फी टाइम। यो। मजाक कर रही थी। आंटी पवित्रा नाम बचपन से है क्या? क्योंकि हरकतें सारी अपवित्र है। मुंह का गटर बंद कर। अरे लग रहा है निकल जाएगी। पार्टनर अपनी रूबी देख लिया क्या? जेंट्स टॉयलेट में देखा तो क्या हुआ? अंदर आदित्य आओ, तुम यहाँ हो? ये क्या नाटक है? हाँ he's fishing. एक हफ्ते से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, कॉल करती हूँ तो कट करते हो और ना ही मैसेज का रिप्लाई देते हो। व्हाट्सएप पर ऑनलाइन तो रहते हो पर कोई जवाब ही नहीं देते। डायपर पहनना चाहिए था। पता है गूगल पे पर भी मैसेज किया तुम्हें, वहाँ पे भी सन्नाटा। अरे यार इसे यहाँ से भगा ना। मैं बर्दाश्त करूँ तो भी बर्दाश्त कर। अगर मुझे नहीं चाहते तो कह दो, मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊँ। हाँ तो कल्टी मारो। मुझसे फालतू की बकवास मत करना। और ऐसे कैसे चली जाओ? अच्छा तुम्हारा दिल भर गया तो तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? इसको भगाने तो किडनी फेल हो जाएगी।
जब तक रीजन नहीं बताओगे मैं नहीं जाऊंगी। क्या जरूरत थी होप्स देने की? मैंने कभी आई लव यू कहा? नहीं। शादी करूंगा कहा? हमारे बच्चे का नाम डिस्कस किया? नहीं। तो फिर कहां से मिल गए होप्स? तो फिर हम दोनों का रिश्ता? टिंग 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 टिंग। लो 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 लो। क्या यार तुम लड़कियों को पटाते हो और छोड़ देते हो, मैं तुमको कभी समझ नहीं पाया यार। सब कुछ जानकर मेरे ऊपर पिक्चर बनाएगा क्या? हाँ? हाँ? क्या हुआ बे? मैं जा रहा हूँ जेल में। धर्मा इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स मेरी दुकान है, उधर देख पार्टनर, सील कर दिया है। 30 डुप्लीकेट कंप्यूटर्स को ओरिजिनल के नाम पे बेच दिया मैंने, इसके लिए मुझे जेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या मैंने इतनी बड़ी गलती की है ब्लडी बगर्स? कब हुआ ये सब? तब हम दोनों पार्टनर्स नहीं थे। 3 सालों से केस चल रहा है, कल फाइनल है। मेरे साथ और भी 10 लोग फंसे थे, पर उनके पेरेंट्स के पास इन्फेक्शंस और पैसे थे, वो बच गए, मैं फंस गया। चार्ज शीट है क्या? अरे मैं चार्जर नहीं लाया, बैटरी खत्म हो गई क्या? बे, केस फाइल किया था तब कोई पेपर दिया होगा ना, कहाँ है वो? उसे पढ़कर कोई फायदा नहीं है पार्टनर, उन्हें आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते। क्या चेक करोगे? उसने साफ साफ बता दिया है, जेल कन्फर्म। मुझे पता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ पार्टनर। जैसे राजा हिंदुस्तानी में करिश्मा ने आमिर को छोड़ दिया था, तलाक के पेपर थमा दिए थे, बिल्कुल उसी तरह से मेरे हाथ में भी पेपर थमा दिया गया पार्टनर। मुझे तो धोखा देना भी नहीं आता पार्टनर। लास्ट नाइट इन धर्मास हाउस पार्टनर, वो पेपर पढ़ना बंद करो, मुझे कोई नहीं बचा सकता। सर नमस्ते। गलती करने के पहले सोचना चाहिए था, अब चलो। केस को अच्छे से पढ़ लिया ना? नहीं नहीं पढ़ा। तुमने पढ़ा ना, अब तुम ही जाके अंदर केस लड़ लो। सर 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 मेरा दोस्त है, जाने दीजिए ना। बड़ा आया कॉमेडी करने, चलो। डिस्चार्ज मांगो, मिल जाएगा। डिस्चार्ज क्या बोल रहा है, ये कोर्ट है, हॉस्पिटल नहीं है, और ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। अरे वाह, ये तो अब लॉयर भी बन गया भाई। डिस्चार्ज चाहिए का? पूरे 30 कंप्यूटर मिले डुप्लीकेट, और डब्बे के ऊपर डेल लिखा था, और अंदर कंप्यूटर सब डल था। पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा था इसे, बुड़बक कहीं का। बड़ा आया ये लौंडा हमको सिखाने। चार्ज शीट चेक किया था? अरे ओ, क्या बोला तुमने? साफ साफ लिखा है इसमें 30 कंप्यूटर मिले थे। ए, 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 का है, का है, का है? इसमें लिखा है 30 बॉक्स मिले हैं, बॉक्सेस के अंदर कंप्यूटर थे या नहीं, नहीं लिखा है। क्लेरिकल मिस्टेक, इतना काफी होगा ना अंदर जाके धर्मा का केस लड़ने के लिए। चलो वकील साहब, छोटा सा मैटर है, इसे सुलझाने के लिए आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, बस जरा सा दिमाग इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? चलता। सबूतों के अभाव में अदालत ये केस खारिज करती है। बोतल लेकर आऊं? मुझे बाहर लाने की खुशी में पूरे हफ्ते नशे में डूबे रहेंगे पार्टनर। तुमने पढ़ाई कितनी की है? इंटर। बस इंटर? लेकिन तुम्हारी पढ़ाई का तुम्हारे दिमाग से कोई कनेक्शन ही नहीं है। आया। हेलो, मैं आपको ही कॉल करने वाला था, लेकिन आपका ही कॉल आ गया। याद है ना भाई, एक बार मैं अपनी बर्थडे भूल सकता हूँ, लेकिन आपको पैसे देना नहीं भूल सकता। कल तक आपको पैसे मिल जाएंगे भाई। जी भाई, रखता हूँ भाई। मैं आधे घंटे में कुछ पीने के लिए लेकर आता हूँ पार्टनर।
जब रोज पीनी है तो एक ही बार में लेके जाओ, लाइन लगाने की क्या जरूरत है? बाप रे, इतनी लंबी लाइन है। अबे धर्मा, यहाँ क्या कर रहा है? यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो? चुबे, जेल नहीं गया तू? ऐसे पूछ रही जैसे बैंकॉक नहीं गया? धंकस मत करा। अरे भाई लाइन में आओ। कब से इनके पीछे हूँ? वो आदि है ना, उसी ने लॉयर से बात करके मेरा केस सॉल्व करवा दिया। बोलता है सिर्फ इंटर तक पढ़ाई की है, दिमाग इंजीनियर से भी तेज चलता है। अब पता नहीं क्या सच है। अबे झिंगुर में उसको पहले से जानती है, अगर उसका बस चलेगा ना तो आधे शहर को कटोरा पकड़ा देगा। किस्मत का खेल है, इतना अच्छा दिमाग होने के बावजूद उसकी भी कमजोरी है और वो है जुआ। शुरू होता है तो रुकता ही नहीं है। एक बार में लाखों लगा के सफा चट करके आ जाता है। अबे ए! डुअल कैमरा है, बैटरी बैकअप भी अच्छा है, आसानी से बच जाएगा। हेलो सासू माँ। बेटा मुझे ट्रीटमेंट के लिए 1.5 लाख रुपया चाहिए, आधी जल्दी लौटा देगा। आपको कल मिल जाएगा। भाई कल फोन किया था तो बोल रहा था कि पैसे रेडी हैं, और अब बोल रहा है कि नहीं है। पैसे कहाँ है धर्मा? ये सच बोल रहा है, इसके पैसे मैं लेकर चला गया था। और क्या किया? जुआ खेला, हार गया। 8 लाख रुपए एक रात में खेल के हार के चला आया? जुआ खेलने के पहले पैसे हारने का डर तो तुझे नहीं होगा, लेकिन अगर पैसे नहीं दिए तो मरने का डर तो तुझे होगा ना धर्मा? है कि नहीं? हाँ है ना भाई, है। 1 हफ्ता देता हूँ, लेकिन अब 8 नहीं 9 लाख देने पड़ेंगे। सिर्फ समुद्र से मछली पकड़ के खाने का शौक नहीं है, जानता है ना तू? लोगों को मार के समुद्र में फेंकने का भी शौक है। जेल में होता तो जान तो बचाती, इसके हाथों मरना तो नहीं पड़ता। अरे इसके लिए मुझे बचाया था क्या? अबे कैसा इंसान है तू, खेलेगा नहीं तो मर जाएगा क्या? पैसे ही तो हैं, दे देंगे। आफ्ताब से एटीएम मशीन बनाने को बोल। लेकिन 1 हफ्ते में 9 लाख का बंदोबस्त कैसे करेंगे? आफ्ताब ने काम शुरू किया? 1 लाख दो तो शुरू करेगा। काम खत्म होने के बाद पैसे मिल जाएंगे, बोला नहीं? मैंने तो बोला था, लेकिन वो पहले के पैसे मांग रहा है। कौन से हम उसके पैसे लेके भाग रहे हैं जो नहीं मिलेंगे? समझाने की बहुत कोशिश की पर वो माने तब ना। मेरी वजह से वो मार्केट में खड़ा है, भूल गया क्या? लगता है उसे कोई और मिल गया। उसकी तो मैं, चल मैं बात करता हूँ। अरे कोई फायदा नहीं पार्टनर, तुझसे 2 गाली ज्यादा दिए मैंने उसे, 1 लाख तो चाहिए ही चाहिए।
आदित्य, मैंने कभी नहीं सोचा था आपसे इस तरह से मिलूंगी। सासू माँ ने बताया था आप आने वाले हो। सासू माँ? सॉरी, मैं आपकी मॉम को सासू माँ ही बुलाती हूँ। अबे कौन है ये? जब से मैंने न्यूज में सुना कि 3 दिनों से कोलकाता में बहुत बारिश हो रही है, मैं बहुत डर गई थी। और आप तो पायलट है ना? ये पायलट कब से बन गया? आपको कुछ हो ना जाए इसलिए रोज मंदिर जाती थी। मैं बंगाली भी सीख रही हूँ। आपसे शादी होने के बाद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना? अरे मैं तो भूल ही गई, मैंने कहा था कि आप बाद में सासू माँ की ट्रीटमेंट के लिए पैसे दे देते। उन्हें 1.5 लाख रुपए चाहिए थे। मेरे अकाउंट में 1 लाख ही थे। मैं यही विड्रॉ करने के लिए बैंक आई थी। सासू माँ? हेलो। हाँ सासू माँ। ये सही मौका है, पैसे ले ले उससे। कॉर्नर में ना? हाँ आती हूँ। सासू माँ मेरा ऑटो में वेट कर रही हैं। आप जाइए, मैं आता हूँ। जी ठीक है भाई। 1 लाख? अभी बस 10 मिनट हुए हैं, बैंक के बाहर ही मिल गए, सोचा नहीं था। सासू माँ ने भी नहीं सोचा होगा, आंटी भी हमें देख के सब्सक्राइब हो गई हैं। टेंशन मत लीजिए। ये लीजिए सासू माँ, आपने जो पैसे मांगे थे। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना, मैं इनका ख्याल रखूंगा, तुम जाओ। ओके, चलती हूँ सासू माँ, बाय। कितनी बार कहा है मुझे अपने लफड़ों में नहीं घसीटने का। अरे तो क्या करती, शेयरिंग ऑटो में मेरे साथ में बैठी थी। किसी मोबाइल शॉप में काम करती है। कह रही थी बाप वॉचमैन का काम करता है, शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा मैं भी लड़की ढूंढ रही हूँ, तेरी फोटो दिखा दी। हाँ मैंने बड़ी बड़ी फेंकना चालू कर दिया, तू पायलट है, कोलकाता में तेरी पोस्टिंग है। मैंने दाना फेंका और वो फंस गई। तुम्हें मेरी ही फोटो मिली थी। इसकी फोटो दिखाती ना तो ऑटो से कूद के भाग जाती। ये ज्यादा हो रहा है। हेलो, पापा ने कॉल किया था, मैंने उन्हें बताया कि मैं आपसे और सासू माँ से मिली। मेरा नंबर भी दे दिया। अभी तू तो बार बार नंबर बदलता रहता है, इस बार नहीं बदला क्या? हेलो, हाँ सासू माँ की ट्रीटमेंट। माँ की ट्रीटमेंट शुरू कर दी है, जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं और पापा सासू माँ से मिलने कब तक आ सकते हैं? बताता। एक्चुअली आपकी फोटो देखकर ही आप मुझे पसंद आ गए। मुझे कभी इतना अच्छा रिश्ता मिलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। घर वाले भी बहुत खुश हैं, मैं भी। हेलो, हेलो, कट हो गया। अगर वो फिर से मेरे रास्ते में आई ना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लाख रुपया था, हाथ में आते आते फिसल गया। चल उस बाप जी ने मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया है, इस बीच मेरे नाम से एक पॉलिसी ले ले, कम से कम मेरे मरने के बाद सुकून से जुआ तो खेल सकेगा। फालतू बकवास मत कर। अरे कौन कर रहा है बकवास, तू 1 लाख रुपए ले लेता तो कम से कम बाप जी का कर्जा तो चुका सकते थे, क्यों ले लिए तूने? ए, मोबाइल शॉप पर काम करती है, अपना मन मार कर जीती होगी तब जाकर 1 लाख रुपए जमा किए होंगे। छोड़ उसे, पाप लगेगा। पाप लगेगा? मैं मर जाऊंगा तो पाप नहीं लगेगा पार्टनर? सॉरी पायलट, कोलकाता तेज बारिश है, संभल के उड़ाना पार्टनर। अभी मेरा दिमाग मत खा, निकल। नहीं पार्टनर, जेल में होता तो कम से कम जिंदा तो होता, वो बाप जी मुझे मार देगा। अरे इससे अच्छा है कि मैं डूब कर। बचाने भी नहीं आएगा क्या पार्टनर? नहीं डूबेगा तू। अरे वाह, तू तो अंतर्यामी है, एक मैं ही हूँ जिसे कुछ नहीं पता है। ए, नहीं पार्टनर। ए धर्मा, अरे बाइक ले जा यार। पायलट भी कभी बाइक चलाता है क्या? भैया एक मिनट रुकना जरा। बेटा कलकत्ता में पायलट कह के पूरी तरह फंसाया था, पर आदि ने सब चौपट कर दिया।
कौन बोल रहा है? बाप जी। अभी एक दिन का टाइम है ना? 6 दिन में कुछ नहीं किया तो एक दिन में क्या उखाड़ लेगा? फालतू में टाइम दिया तेरे को। कल 11 बजे तक पैसे दे और अपने दोस्त को ले जा। प्रॉपर्टी के लिए तो मैंने अपने बाप को भी नहीं छोड़ा, तो तुम लोग क्या चीज हो? धर्मा से बात करा। हेलो। ए धर्मा, तू बिल्कुल मत घबरा, कल किसी भी हालत में पैसे लेकर पहुंच जाऊंगा। धर्मा, ए सीख रही हूँ। आपसे शादी होने के बाद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना? गायत्री, क्या हुआ? जब से आई हो उदास बैठी हो, क्या हुआ? गायत्री, सासू माँ, आदित्य, सब झूठ है दीदी। मतलब? पैसों के लिए था ये सब ड्रामा। ये तुम क्या कह रही हो? सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ बस एक धोखा है। झूठ जितना खूबसूरत होता है, सच उतना खूबसूरत क्यों नहीं होता दीदी? पुलिस में कंप्लेंट करना है क्या? नहीं दीदी, वो औरत वैसी हो सकती है, लेकिन आदित्य ऐसा नहीं है। अगर उसे पैसों का ही लालच होता, वो पैसे लेने से इनकार नहीं करता। मुझे तो वो गलत नहीं लगता। ए, अर्जेंटली पैसों की जरूरत। 1 हफ्ते पहले ही जमीन खरीद ली यार। बिना सिक्योरिटी के मुश्किल है। वो बाप जी बहुत खतरनाक आदमी है आदित्य। जो सोचता है वो करता है। धर्मा को बचा ले यार। एक्चुअली माँ अचानक सीरियस हो गई है, डॉक्टर ने कहा सर्जरी करनी पड़ेगी। सारे पैसे फिक्स डिपॉजिट से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। क्या तुम 1 लाख रुपए दे सकती हो? एक दो दिन में लौटा दूंगा। अगर तुम्हारे पापा हैं तो? नहीं है, नाइट शिफ्ट है। वैसे भी किसी को बताने की जरूरत नहीं, ये मेरे पैसे हैं। अपनी शादी के लिए अपने सारे शौक मारकर, एक एक पैसा जोड़कर मैंने ये पैसे जमा किए। ये मेरे हैं, इसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। चलता। आदित्य, कम से कम आपको मेरा नाम तो पता होगा ना?
नहीं एसआई कुछ ज्यादा ही रूल सिखा रही है सर। एक्यूज्ड को हेल्प करने की वजह से 3 महीने सस्पेंड हुई थी, परसों ही अपने पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर होकर आई है। क्या हो रहा है? चलो बाहर जाओ सब। क्राइम सीन कंटामिनेट नहीं करना चाहिए, पता नहीं। सॉरी मैडम। बेड पर बैठकर गप्पे मार रहे हो, आउट। रामदेव सर। सर इन्फॉर्म किसने किया? सर्वेंट सर, गांव से सुबह ही आई है। मर्डर करके बॉडी को टब में डालकर पानी चालू करके गया था। सर्वेंट ने आकर बंद किया। एनी एविडेंस? नहीं सर, छोटा सा क्लू भी नहीं। सो तुम्हारे हिसाब से मर्डर को फॉरेंसिक की अच्छी नॉलेज है। मारने के लिए उसने लगता है चाकू का इस्तेमाल नहीं किया। इट्स अ वेरी शार्प ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑफ एंट्री सर। मर्डर इसी स्पॉट पर हुआ है सर। सर, विक्टिम का नाम आकाश है, माँ नहीं है, फादर यूएसए में रहते हैं। क्या यार, पहले से ही इतने केस थे, अब एक और आ गया। ए 201, ए सुधाकर, बुला रहे हैं। अगर सुनाई नहीं देता तो कान में मशीन डालो। नहीं सब ठीक है सर, सुनाई दे रहा है, केस डिस्कस कर रहे थे सर। ठीक है, जाओ सिगरेट का पैकेट लेकर आओ। ओके सर। जी सर। यामिनी, ये केस तुम ही हैंडल करो और फॉरेन में इसके पिताजी को इस बारे में इन्फॉर्म कर दो और पता लगाओ शहर में इसका कोई रिलेटिव है। ओके सर। या ही इज माय कजिन ब्रदर। घर से कुछ गायब हुआ है क्या, पैसा या ज्वेलरी, एक बार चेक कर लो। लॉकर में काफी कैश रहता था और अभी कुछ नहीं है। समथिंग हैज हैपेंड। कहाँ से लाया? तुझे क्या, तुझे पैसे मिल गए ना? एक रात में 9 लाख का जुगाड़ कोई आसान काम नहीं है। ऐसा क्या किया तूने? यही जानना था। ए, हाँ। मैं झूठ बोल रहा था, फिर भी तुमने पैसे क्यों दिए?
तुम्हारा झूठ तो समझ में आया, पर तुम्हारी जरूरत भी दिखाई दी। अगर पैसे लेकर भाग जाता और वापस ना आता तो? अगर तुम चले जाते तो मेरे लिए तुम्हें भूलना आसान होता, पर मुझे भूलना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। क्या है ये सब? पता नहीं आदित्य, मेरे लिए भी नया है। चलता जा रहे हो? इस केस में सीआई सब बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मुझे केस दे दिया है। 3 दिनों से लगातार ढूंढने के बाद भी ना कोई विटनेस मिला और ना ही कोई एविडेंस, फिर हम कर भी क्या सकते हैं? मैडम, वॉचमैन से पूछा तो उसने बताया कि पड़ोसी शादी में गांव गए थे और घर लॉक है मैडम। और बाकी सब लोग? सबसे पूछ लिया मैडम, ज्यादातर लोग यहाँ पर सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में वेकेशन पर आते हैं मैडम। अगर नीचे के फ्लोर पे मर्डर होता है तो ऊपर वाले कहते हैं उन्हें कुछ नहीं पता, और ये पूरे मोहल्ले से पूछताछ कर रहे हैं। भगवान ही हो गया क्या? चलो गाड़ी में बैठो। सर। क्या हुआ? सर, आकाश के मर्डर केस के संबंध में लगातार इंक्वायरी चल रही है सर। मर्डर जिस दिन हुआ उस रात को उसके सामने वाले घर में बर्थडे पार्टी चल रही थी। ठीक है। जिसने पार्टी थ्रो की थी वो ओनर का बेटा है, बैंड्रा में रहता है। उसे फोन करके पुलिस स्टेशन बुलाया है सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तुम फिक्र मत करो, कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं, थोड़ा वेट करो। कहना क्या चाहती हो यामिनी? सर, ये उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेल्फी ली थी। सो जूम करके राइट टॉप कॉर्नर में देखिए सर, मर्डर जिस टाइम पर हुआ एग्जैक्टली उसी टाइम की है। वो जहाँ खड़ा है वो आकाश की बालकनी है। इसे मैं जानता हूँ, इसका नाम सिद्धार्थ है, फॉर्मर IIT स्टूडेंट। सर, इस फोटो को सभी पुलिस स्टेशन में भेज दो, इसके करंट एड्रेस का पता लगाओ, पूरा फोकस इस केस पे करो। सर, ओके? यस सर। सर, क्या समझ रहा था आसानी से बच जाएगा? तुझे मेरे फंदे से कोई नहीं बचा सकता, बहुत जल्द तेरा हिसाब मैं खुद करूंगा। सिद्धार्थ? हाँ। दे रहा है? What's happening here? हेलो, कोई है? ये सब क्या है सर? मुझसे कहा गया था सिर्फ 10 मिनट का काम है, 10 बजे से यहां लाकर बंद कर दिया है, कोई जवाब भी नहीं दे रहा है, मेरा फोन भी ले लिया है। पहले मेरा फोन दीजिए। तेरे और आकाश के बीच में क्या लफड़ा है? आकाश? ये आकाश कौन है? आर आकाश, नंबर 31, सी ब्रीज बिला। पता नहीं,
संडे की रात को तू कहाँ था? छोटी सी पार्टी थी। कंस्ट्रक्शन खत्म होने के पहले ही सिद्धार्थ ने अपने सारे फ्लैट्स बेच दिए हैं। तेरी ही पार्टी में से तू ही जल्दी निकल गया? ऐसा क्या अर्जेंट काम था? लैंड की रजिस्ट्रेशन, टाइम पर पहुंचना पड़ेगा, तो संभाल लेगा ना? हाँ ठीक है, बाय बाय। जरूरी कुछ नहीं था, बस थोड़ा हेडेक था। हेडेक था? तेरे फ्रेंड ने बताया कि तुझे लैंड की रजिस्ट्री के लिए अगले दिन जाना था। मंडे को तू रजिस्ट्रेशन के लिए भी नहीं गया? पूरी इंक्वायरी की है मैंने, नाटक करना बंद कर। सर आप पुरानी दुश्मनी दिल में रखकर मुझे जबरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहा तूने? पार्टी से तू 11:30 बजे निकल गया, वहां से घर बस 30 मिनट का ड्राइव है, लेकिन तू 3:30 बजे तक कहां गुल था? कार का टायर पंक्चर हो गया था। कहां? सीएमआर सब में। तो टायर बदलने में 3 घंटे लगते हैं क्या भूपति? मैक्सिमम 1/2 घंटा सर। मेरी कार में जैक नहीं है, जो भी जा रहा था उससे हेल्प मांगी पर कोई रुका नहीं। उसके बाद एक कार रुकी लेकिन उसके पास भी जैक नहीं था। बहुत देर रुकने के बाद एक कैब वाले ने मदद की। कौन सी कैब थी? नोटिस नहीं किया। कार नंबर? बारिश थी, ठीक से दिखा नहीं। कार वाला और कार का नंबर पता नहीं, लेकिन कोई आकर मदद करके गया। पूरी स्टोरी बाउंसर है सर। आप मानो या ना मानो, यही सच है सर। उसी दिन आकाश नाम के लड़के की दर्दनाक मौत हो गई, शार्प वेपन से। इधर इधर उसे घोंप घोंप के मारा गया। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे? सही कहा, यह सब मैं तुझे क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आकाश को तू नहीं जानता, आकाश से तेरा कोई लेना देना भी नहीं है। तू उस रात को उसके घर भी नहीं गया था, लेकिन मर्डर जिस वक्त हुआ उसी समय तो उसकी बालकनी में क्या कर रहा था? ये देख रहा है ना, तेरी लाइफ और करियर फिनिश। मुझसे मेरी बेटी को छीना था ना, अब देख कैसे मैं तेरी जिंदगी छीनता हूं। इतना काफी है तुझे जेल में कम से कम 14 साल सड़ाने के लिए। ये लोग मुझे बस फंसाना चाहते हैं, मुझसे पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है सीआई। मेरा फोन दे दो। आई हैव द राइट टू स्पीक टू माय लॉयर। हेलो सर, एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर। क्या हुआ? प्लीज कम विद मी सर। Hey! Hey! सर, फुल टाइट है सर, ड्रंक एंड ड्राइव में पकड़ा गया है। इसकी फोटो हर पुलिस स्टेशन में भेजी थी ना, मीरा रोड के पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने इसे यहाँ भेजा है सर।
इसे स्टोर रूम में लेके जाओ। यस सर। 2 तारीख की रात को तुम कहां थे? इधर 2 मिनट पहले क्या किया याद नहीं रहता, और ये आदमी मुझे दो क्या मारा है, पूरी उतर गई। बोलेगा अब? याद करने के लिए टाइम तो दे दो सर। हाँ, उस दिन मेरे फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे बुखार था, उसी के साथ था। उसको खाना और दवाई खिलाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। उसका नाम क्या था? धर्मा। बाजार रोड पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की दुकान है। उस फ्रेंड की सारी डिटेल्स और एड्रेस निकालो। ओके सर। सुनो सारथी, इसी वक्त पुलिस स्टेशन आ जाओ। अभी? हाँ अभी। चल बोल। 36, 24, 36। ए डोर नंबर 36, स्ट्रीट नंबर 24, मुंबई 36। एड्रेस वही बता रहा हूँ। सर देखिए, इसके हाथ में लेडीज रुमाल है। क्यों बे, सिर्फ रुमाल है या लिपस्टिक और नेल पॉलिश भी लेके घूम रहा है? ये रुमाल आपका है? तेरी तो। गौरी शंकर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, January 12, 1990। गौरी शंकर? किसी केस के जजमेंट की बात कर रहा है? क्या बोल रहा है बे? Any form of torture, cruel, inhuman or degraded treatment is prohibited by the court of law। क्या बोला ये? सुना नहीं या फिर समझा नहीं? सुना तो सही पर समझा नहीं। इंक्वायरी के लिए लाए हुए सस्पेक्ट पर हाथ उठाना ही नहीं, उससे बुरा बर्ताव करना या उसे किसी भी तरह का टॉर्चर करना गुनाह है। आईपीसी सेक्शन 330। नहीं जानते हमारे सर को सिर्फ ये पता है कि 5:30 बजे घर जाना है। तेरी तो। प्रीतिपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बिल्कुल ऐसे ही, एक सस्पेक्ट को मारने पर कोर्ट ने फैसला सुनाया था। जिस एसआई ने मारा है और उस वक्त उसका साथ देने वाले सभी पुलिस वालों को कोर्ट ने सस्पेंशन का ऑर्डर दिया था। किसी को नहीं छोड़ा था। ऐसे मरना कि कोई घाव ना दिखे। रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, कठोर कारावास की सजा। रघुबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। नहीं जानते जिसने मारने का ऑर्डर दिया उस हेड कांस्टेबल को और जिसने मारा उस कांस्टेबल को कोर्ट ने 8 साल की सजा सुनाई। जो ऑफिसर्स अरेस्ट करके लेके आए थे वो भी फिलहाल जेल में। तुम लोग भी जेल जाना चाहते हो क्या? वही जेल। सुधाकर जॉर्ज। क्यों भाई, सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की लिस्ट में मेरा नाम भी डालना है क्या? सॉरी। अचानक से मेरी जिंदगी में एक ऐसा सैलाब आया कि मेरा सुख चैन सब हमेशा के लिए खत्म हो गया। मेरी लाइफ ऐसी पहले कभी नहीं थी। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब, अच्छी सैलरी, सब कुछ ठीक चल रहा था। और तभी मेरी मुलाकात एक खूबसूरत शहजादी से हुई जिसका नाम था महिमा। पहली नजर में उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। पर बला की खूबसूरत महिमा को हासिल करना इतना आसान नहीं था। ये ठीक वैसा ही था जैसे आसमान से तारे तोड़ना। पसंद है क्या? महिमा डीमैक्स में क्रिएटिव हेड का काम करती है। ऑफिस सेम बिल्डिंग में, उसका 10th फ्लोर पर है। उसे देखने का मेरे पास एक ही ऑप्शन है, लिफ्ट के वो कुछ पल। दोनों के वर्किंग आवर्स अलग अलग है, अगर मिस कर दिया तो पूरा दिन उसे नहीं देख सकता।
किसी लड़की के साथ वक्त बिताने के बाद हम फैसला करते हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं, लेकिन इसको फर्स्ट टाइम देखते ही मैंने डिसाइड कर लिया था दैट शी इज द वन। उसे पहली बार देखते ही मैं समझ गया शी इज माई डेस्टिनेशन। सोचा और कितने दिन खामोश रहूंगा, इसलिए खामोशी तोड़ दी। कैन आई टेक यू आउट फॉर अ कप ऑफ कॉफी? हाँ, हमारी जान पहचान भी नहीं हुई, हम दोनों ने 10 मिनट बात तक नहीं की, सीधे कॉफी पर आ गए। पहचान बढ़ाने के लिए, 10 मिनट बात करने के लिए, डायरेक्टली कॉफी। जवाब तो दो। तुम्हारा सवाल ही गलत है, पहले सवाल सही करो फिर जवाब दूंगी। क्या कह रही, क्वेश्चन गलत है? अरे चलना है तो चले वरना ना बोल दे, ये तो बड़ी अजीब है। Take me out for a cup of coffee. Shall we go out for a cup of coffee? मैंने प्रोजेक्ट के बारे में भी कभी इतना नहीं सोचा। कॉफी नहीं पीनी तो मत पियो, पर करेक्ट क्वेश्चन तो बता दो। The right question is, can I take you out for a cup of tea? Because I hate coffee. Three days? Actually, sense of humor. Koi nahi. My mistake. Tea. तो चले, shall we go for a cup of tea? Yeah. Tea. I'm Sid. सिद्धार्थ, सिविल इंजीनियर, into constructions, दारू या सिगरेट पीने की आदत नहीं है, पर कार्स तुम्हें बहुत पसंद है। कैसे? जैसे तुम मेरे बारे में जानते हो वैसे ही मैं भी जानती हूँ, मेरी भी एक R&D टीम है। Hi. Sorry, got late. It's okay. Actually, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट का बहाना बना के निकला हूं। और फिर धीरे धीरे हमारी लव स्टोरी परवान चढ़ती गई और महिमा और मुझे लगने लगा जैसे जिंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। सिद्धू, बचपन से ही मैं अपने पापा से पूछना चाहती थी कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे ना, मैं आप पर बहुत भरोसा करती हूँ, पर कभी पूछ ही नहीं पाई। मुझे और मम्मी दोनों को छोड़कर किसी और के साथ चले गए, पापा तो छोड़कर चले गए, कम से कम आप तो मेरे साथ जिंदगी भर रहेंगी ना। ये सवाल मैं अपनी मम्मी से पूछना चाहती थी, उनसे भी नहीं पूछ पाई, वो भी किसी और के साथ शादी करके चली गई। उसके बाद मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी से करीब नहीं हुई, और फिर तुमने मेरी जिंदगी में कदम रखा। भरोसा कर सकती हूँ ना? बच्चे बस हमेशा माँ बाप की सेवा करके उन्हें खुश रखना चाहते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते वो यही खुशी अपने साथी को देना चाहते हैं। मैं बस यही कह रहा हूं, हमेशा साथ रहूंगा। ज्यादा हो गया ना? किसी बात की कमी होगी तो प्रॉब्लम होगी, ज्यादा होने पर नहीं। Love you.
लाइफ में पहली बार कुछ अच्छा काम किया है यार। वो क्या है? नौकरी छोड़ दी। व्हाट? जॉब से रिजाइन कर दिया है मैंने। क्या कह रही है तू? टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। मैं और सिद्धार्थ जल्द ही शादी करने वाले हैं। क्या कहा? कृतिका की शादी से आने के बाद। अच्छे से सोच लिया है ना? उसकी जरूरत नहीं। महिमा, सच में ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ अपनी सारी जिंदगी बिताने के लिए मुझे देर नहीं करनी चाहिए। मैंने अब तक जो कुछ भी मिस किया वो सब मेरे सामने लाकर रख दिया है उसने। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हुँ? 15 दिनों की शादी? तुम्हारी फ्रेंड पागल है क्या? बेस्ट फ्रेंड है इसलिए जाना पड़ रहा है सिद्धू। रीयूनियन, मेघालय ट्रिप, बैचलरेट, संगीत, मेहंदी फंक्शन, पूरे 15 दिनों का एक पैक शेड्यूल बना दिया है। हमारी शादी भी प्लान कर ली मैंने। हाँ? वो कब? अभी। कितने दिन की? बस 15 मिनट। हाँ? मुझ में इतना पेशेंस नहीं है। तुम्हारे आते ही स्टेशन से निकलकर मंदिर मिला तो मंदिर, चर्च तो चर्च, मस्जिद तो मस्जिद, तुमसे शादी कर लूंगा। उसकी शादी के बारे में 10 लोग बातें करेंगे, हमारी शादी के बारे में हम दोनों खुद सबको बताएंगे। कुछ अलग होगा। क्रेजी सिद्धू, उससे पहले किसी ने मुझे प्रपोज कर दिया तो? सिद्धू ने मुझे किस किया जिसका एहसास आज भी मेरे होठों पर मौजूद है। You know what to say. सारथी चलो। अरे बाबा, ये तो एक दूसरे की कार्बन कॉपी है। मेरे पास यही एविडेंस है। तू एक काम कर यार, इस फोटो को फ्रेम करवा के दे दे। देख यार, ये किसी काम की नहीं है, बेकार है। सिद्धार्थ पर कोई केस तो फाइल नहीं किया ना? नहीं, बस इंक्वायरी के लिए रखा था। देख, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में MD है, डेफिनेटली उसके यहाँ पर बहुत सारे कॉन्टेक्ट होंगे, इसलिए ज्यादा देर तक उसे कस्टडी में रखना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो क्या करूं मैं, उसे उसके घर तक छोड़कर आऊं? अरे सारथी, मैंने तुम्हें अपनी हेल्प करने के लिए बुलाया है। 2 महीने में मैं रिटायर हो जाऊंगा, इससे बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। नागेंद्र, तेरे और सिद्धार्थ के बीच जो हुआ है वो मैं अभी तक भूल नहीं पाया हूं। वकील होने के नाते कह रहा हूं, अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ के जैसा दिखने वाला एक और आदमी का मिलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर उस दूसरे आदमी को तुम्हारे ही लोगों ने डायरेक्टली पकड़ा होता तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। आकाश का मर्डर करने वाला सिद्धार्थ है, ये बात साबित कर सकते थे। उसे दूसरे स्टेशन पे अरेस्ट किया है ना, तो उसके अरेस्ट होने से लेकर इस स्टेशन पर हैंडओवर करने तक कंप्लीट रिकॉर्ड क्रिस्टल क्लियर है। अब बता मैं क्या करूं? ये मर्डर उन दोनों में से किसी एक ने ही किया है। नो डाउट। तो दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। आज फ्राइडे है, कल और परसों कोर्ट बंद रहेगा, तो सोमवार को तुम्हें उन दोनों को कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। इस केस का असली मर्डरर कौन है, सिद्धार्थ है या आदित्य? फाइंड आउट। यस। गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली हम फिल्म स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। ओके। आकाश के मर्डर केस के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं सर। सर, इफ यू डोंट माइंड, वी नीड सम इंफॉर्मेशन।
सॉरी सर। थैंक यू सो मच सर। मैं जो बोलूंगा वो बाहर तो नहीं जाएगा ना? डोंट वरी सर, वी विल टेक केयर। ओके। इससे तुम्हें सुनाई देगा और इससे मुझे सुनाई देगा। आज तक हमने बहुत केस देखे लेकिन ऐसा केस कभी नहीं देखा। सीआई एक तरफ, एसआई एक तरफ, एक मिनट भी सांस नहीं लेने दी। उन दो दिनों को मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। सोमवार की सुबह दोनों कोर्ट में पेश किए जाएंगे। हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। इस दौरान आकाश को किसने मारा ये पता लगाना है और उसे पता न चलने पाए कि उसके जैसा हमारी कस्टडी में कोई और भी है। सिद्धार्थ के नजरिए से सोचेंगे तो वही हमारा सस्पेक्ट है और आदित्य की नजरों में वही सस्पेक्ट है। ट्रीटमेंट शुरू करो, सच बोलने तक उन्हें पानी भी मत देना। सिद्धार्थ की प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन वो आदित्य है ना, प्रीतपाल सिंह, रकुलप्रीत सिंह, ना जाने क्या क्या। शट अप, जो बोला वो करो। यस सर। आउट। सारथी, किसी भी कीमत पे सिद्धार्थ बचना नहीं चाहिए। ए, तेरी सीरियसनेस इस केस के लिए नहीं है बल्कि उस लड़के के लिए है, और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगर मर्डर सिद्धार्थ ने किया है तो ट्रैक क्लियर है, लेकिन अगर आदित्य ने किया है तो क्या करना है सोचना पड़ेगा। बस वो बचने ना पाए। शर्ट भी। क्यों सर? उतारना। ये क्या है? कंस्ट्रक्शन साइट पर रॉड लग गया था। चलो उतार। ए, 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 टी शर्ट। तो ऐसा साफ साफ बोलो ना। ये क्या है? इडियट, चोट कैसे लगी? बाइक स्किड हो गई थी। इतना टॉर्चर करने के बाद भी एक ही बात बोल रहे हैं दोनों। वो लोग खुद ही सच बोलेंगे, ये सोचना भी बेकार है। तो अब क्या करें मैडम? आकाश कौन है? उसके साथ इन दोनों का क्या कनेक्शन है? इन दोनों में से किसने आकाश का मर्डर किया और कौन बेगुनाह है? अगर आकाश की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी तो मर्डर किसने किया ये पता लगाना आसान होगा। यस मैडम। साहब हमेशा घर में ही रहते थे, बाहर तो बहुत कम ही जाते थे। जब देखो तो वीडियो गेम खेलते रहते थे और कुछ नहीं। हमारे सब बहुत अच्छे इंसान थे सर। तुम और आकाश बेस्ट फ्रेंड्स थे? हम दोनों कॉलेज के समय एक ही म्यूजिक बैंड में थे, तब हम बहुत क्लोज हो गए थे। पर आकाश के यूएस जाने के बाद हम टच में नहीं थे। वो इंडिया वापस क्यों आया? पर्टिकुलर रीजन नहीं था मैम, आने का मन किया तो वापस आ गया। जॉब या बिजनेस? उसके पापा हर महीने पैसे भेजते थे तो काम करने का सोचा भी नहीं। आकाश बाबू हमारा ख्याल रखते थे। एक बार मेरा बेटा बहुत बीमार था तो आकाश बाबू ने सारा खर्चा उठाया था और मेरी पगार भी नहीं काटी थी उन्होंने। लव गर्लफ्रेंड्स? उसे रिलेशनशिप या प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कॉलेज में जिसे प्रपोज किया था उसने उसे मना कर दिया था। बेसिकली लड़की के मामले में वो रिजर्व था, ये म्यूजिक गेम यही उसकी दुनिया थी। इसे कभी देखा है क्या तुमने? इस आदमी को कभी कहीं देखा है? नहीं साहब, नहीं देखा। 2 तारीख की रात मुझे तेज बुखार था मैडम, और मेरा पार्टनर भी उस समय मेरे साथ ही था। मुझे दवा और खाना खिलाया और फिर वो सोने चला गया मैडम। आदित्य ही पार्टनर है मैडम, दोनों 420 हैं, लोगों को ठगते हैं। तो किसी ने केस नहीं फाइल किया? लूटपाट भी आदित्य अपने दिमाग से करता है मैडम, इलीगल संपत्ति रखने वाले सेठों को ही वो टारगेट करता है मैडम। केस करने पर कहीं खुद ही फंस ना जाए इस डर से कोई केस नहीं करता। इस बार ये एक केस में अंदर जाने वाला था मैडम, आदित्य ने न जाने क्या बोल के इसे बचा लिया। कितना पढ़ा है वो? विंटर। हाँ, इंटर मैडम। इंटर तक पढ़ा है तो फिर लॉ के बारे में इतना कैसे जानता है वो? पूछा था मैडम। दूसरों की जिंदगी में ऐसे ताका झाकी नहीं की जाती है, ऐसा बोला था। गलत बोल रहा हूँ तो अपोलो फीस मैडम। अपोलो फीस? अपोलोजीज मैडम। हाँ कुछ ऐसा ही मैडम। जब जरूरत होगी बुला लेंगे, ये केस खत्म होने तक तुम कहीं नहीं जाओगे, समझ गए ना? ओके मैडम।
आदित्य से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे बताना। यस मैडम। क्या यस? सॉरी मैडम, सुनाई नहीं दिया। राघव से पूछ लूंगा मैडम। और आप? मैडम, आदित्य, आकाश, सिद्धार्थ, तीनों के फोन रिकॉर्ड चाहिए, इंक्लूडिंग आकाश के बैंक डिटेल। ओके मैडम। रविवार को रात 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक सभी कॉल रिकॉर्ड चाहिए मुझे। ये केस खत्म होने तक तुम कहीं नहीं जाओगे, समझ गए ना? सर, सिद्धार्थ, आदित्य, आकाश, तीनों के मोबाइल नंबर के डेटा को कंप्लीटली चेक कर लिया है सर। सिद्धार्थ और आदित्य, इन दोनों का आकाश के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। सिद्धार्थ और आकाश के बीच? नो सर, तीनों की अलग अलग लाइफ है, तीनों का किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट इंक्वायरी में पता चला आकाश के बारे में सबका पॉजिटिव फीडबैक है सर, और तो और उसकी कोई वीकनेस भी नहीं। उसकी बहन ने बताया कि लॉकर में कैश रहता था, इसलिए आकाश की बैंक स्टेटमेंट्स भी मंगवाई है सर। और उस कैब ड्राइवर का क्या हुआ? सबको इन्फॉर्म कर दिया है सर, ज्यादा से ज्यादा कल शाम तक। शाम तक क्यों? 2 दिन में से 1 दिन खत्म हो चुका है। ये मर्डर सिद्धार्थ ने किया, इसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए मुझे। आई मीन सिद्धार्थ और आदित्य, यू मे लीव नाउ। यस सर। कहीं तो कोई पॉइंट हमसे मिस हो रहा है। आंखों के सामने है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर और सिद्धार्थ के बीच में क्या? गुड इवनिंग मैडम। ये अपना सुधाकर ही है मैडम, इसके सामने बोलना ना बोलना बराबर है। सर और सिद्धार्थ के बीच क्या लफड़ा है? अपने सीआई सर की एक ही बेटी थी मैडम, कॉलेज में पढ़ते वक्त एक लड़के से प्यार किया, लड़का दूसरी जाति का था, इनकार करके रिश्तेदारी में ही लड़का ढूंढ लिया, लेकिन शादी के 2 दिन पहले ही लड़की घर से भाग गई और जिससे प्यार करती थी उस लड़के से शादी कर ली। उस लड़की के घर से भागने से लेकर शादी करने तक उसकी मदद सिद्धार्थ ने की मैडम, क्योंकि वो लड़का और सिद्धार्थ बहुत अच्छे दोस्त थे। हाईलाइट तो ये है कि उनकी बेटी कहाँ है ये बात सीआई सर को अब तक पता नहीं। जिसने इतना सब कुछ किया उसको आसानी से छोड़ देंगे क्या? अगर ये मर्डर आदित्य ने किया भी है तो भी वो सिद्धार्थ पर इल्जाम लगाकर फंसा देंगे। सब सुना मैंने। अपनी बेटी से भी उसकी जाति पूछते हो क्या तुम? क्या करोगे ये जाति वाती लेकर? तुम्हारी बेटी कहाँ है ये तुम्हें ही नहीं पता, ये हाईलाइट है। आप ही कुछ समझाइए मैडम, कैसे बाप हो तुम? देखा, मैंने कहा था ना आपसे, एडिशनल एविडेंस मिलने तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हेलो। हेलो यामू, दिस इज पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम को मेरा नंबर किसने दिया? अब उसने कहा केस के बारे में बात करनी है तो मैंने ही दिया। इस पागल की वजह से ही मुझे अपना नंबर बदलना पड़ा था। सॉरी मैडम। इस पगले की वजह से तुम्हें नंबर बदलना पड़ा, इस शॉर्ट ब्रेक में तुमने यही बोला होगा। आई कुड सेंस इट। बहुत टेंशन है, क्या काम है? कॉफी। देखो पर्सनल देखो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने फोन किया है। मतलब? आकाश केस सॉल्व्ड। व्हाट? दैट्स व्हाट, आकाश का मर्डर केस सॉल्व हो गया है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ सच में, पर सच्चाई जानने के लिए तुम्हें मुझे थोड़ा सा टाइम देना होगा। वो क्यों? 3 महीने पहले मैं तुम्हारा हाथ मांगने आया था और तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। इस वक्त अगर तुमने फालतू बात की ना तो मेरे मुंह से गाली सुनोगे। क्या कहा? मुझे तुम बोलोगी भी नहीं, बट एनीवेज पॉइंट पर आता हूँ। जहाँ मर्डर हुआ उस स्पॉट से मुझे एक हेयर का सैंपल मिला है। मर्डरर का? ऑफ कोर्स, अभी तक आकाश से रिलेटेड सभी लोगों के हेयर सैंपल्स का डीएनए टेस्ट किया है। स्पॉट पर मिला हेयर सैंपल किसी के डीएनए से मैच नहीं होता है। तो अब अगर तुम लोगों ने तुरंत सस्पेक्ट के हेयर सैंपल टेस्ट के लिए भेजे तो कल सुबह तक केस सॉल्व। सुनो मैडम, एडिशनल एविडेंस मिल गया। केस कैसा भी क्यों ना हो, मुजरिम चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई तो गलती करता ही है।
उसके बाद एक छोटा बाल हमें मिल गया। केस इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये सोचा नहीं था। सिद्धार्थ और आदित्य दोनों के हेयर सैंपल हमने लैब में भेज दिए। एए, हट। ए, क्या है? बाथरूम जाना है। बाथरूम जाएगा। कर ले इसी में। सिद्धार्थ एक दूसरे को मार देंगे सर, जल्दी आइए सर। सीआई सर को फोन किया क्या? किया सर, वो रास्ते में है। छोड़ दे। स्टॉप। रुको। पागल हो गया क्या? कन्फर्म इसी ने मर्डर किया होगा, नहीं तो भागने की कोशिश क्यों करता? चल चल चल, बैठ जा। अया, उसकी फोड़ रहे थे, खुद की फूट गई। सुधा, बाय मिस्टेक लगा होगा ना? एक इंच भी मिस नहीं किया उसने, सही स्पॉट पे मारा है। सच में सर, असल बात तो ये है सर। क्या? कि ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और इनकी आपस में बनती भी नहीं है। इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। मॉर्निंग यामू, आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू। क्या हुआ? यूनिफॉर्म में भी तुम दुल्हन की तरह खूबसूरत लग रही हो। स्टेशन से जो हेयर सैंपल्स आए थे उन्हें टेस्ट कर लिया,
मर्डर स्पॉट पे जो हेयर सैंपल मिला था उसका डीएनए तुम्हारे भेजे हुए हेयर सैंपल के डीएनए से परफेक्टली मैच होता है। मैं तुम्हें खुद कॉल करके बुलाने वाला था लेकिन लेकिन जब फर्स्ट सैंपल का डीएनए टेस्ट हुआ उसके बाद जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी दूसरे सैंपल्स के डीएनए को भी मैंने टेस्ट किया। ट्विस्ट अब आएगा, जो सैंपल हमें स्पॉट पे मिला था उसे सिर्फ पहले सस्पेक्ट का डीएनए ही नहीं दूसरे वाले सस्पेक्ट का डीएनए भी परफेक्टली मैच हो रहा है। सस्पेक्ट दो हैं क्या? हाँ। दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं? यस। डीएनए भी एकदम सेम है, इसका मतलब तुम्हारी कस्टडी में जो दो लोग हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस। सिद्धार्थ के पैदा होने के 15 सेकंड बाद मैं पैदा हुआ। बाप बेटे का डीएनए भी एक जैसा नहीं होता तो फिर इन दोनों का? बिल्कुल सही, सिर्फ बाप बेटे ही नहीं नॉर्मल ट्विंस भी होते हैं तो उनका डीएनए सेम नहीं होता है, बट आइडेंटिकल ट्विंस एक ही अंडे में फॉर्म हुए दो अलग जीव होते हैं, तो जैसे जेरोक्स कॉपी बिल्कुल सेम टू सेम होती है वैसे इनका डीएनए भी एज इट इज मैच हो रहा है। सो फाइनली अब ये एविडेंस किसी काम का नहीं है। फोटो एविडेंस को देखकर लगा था कि केस क्लोज हो जाएगा, फिर एक जैसे दो लोग मिले, इतना टॉर्चर किया फिर भी कोई नहीं माना, और डीएनए से बढ़कर और क्या हो सकता है? लगा कि केस सॉल्व हो गया, लेकिन अब ये। ए, डोंट वरी, एक और ऑप्शन है। वो क्या है? फिंगरप्रिंट्स। आइडेंटिकल ट्विंस होने पर भी डीएनए सेम हो सकता है लेकिन फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। क्राइम सीन को हमने अच्छे से देखा था, कुछ होता तो भेज देते। तुम लोगों ने कैसे ढूंढा होगा मुझे पता है। अब जा, इस बार मैं खुद क्राइम सीन में एंटर करूंगा। पॉइंट ऑफ एंट्री कहाँ है? वहाँ। पॉइंट ऑफ एग्जिट? एंट्री यहाँ है तो एग्जिट पॉइंट कैसे अलग होगा? क्यों नहीं हो सकता, जब वो एंटर किया होगा तो रोड पर कोई नहीं होगा, पर एग्जिट के समय किसी को रोड पर देखा होगा और पॉइंट ऑफ एग्जिट बदल ली होगी। हो सकता है कि वो यहाँ से गया हो और हमें जो फिंगरप्रिंट्स चाहिए वो यहाँ पर हो। ग्लव्स। प्यार को प्यार से प्यार किया तो, प्यार को प्यार से जब प्यार किया तो प्यार से हुए प्यार में प्यार के साथ जिंदगी बिताना असली प्यार कहलाता है। हाउ इज इट यामू? बेकार है ना, एकदम बकवास है ना, मुझे पता ही था। एक्चुअली वो इसने लिखा है, मैंने कहा था ना किसी को पसंद नहीं आएगा, आउटडेटेड फेलो। यामिनी, एक ट्रिकी क्वेश्चन। मैरिजेस आर मेड इन हेवन। भारतीय मैट्रिमोनियल .com, तुम्हारी खूबसूरत प्रोफाइल को मैंने पहली बार वहीं देखा। आई नो यू आर ब्लशिंग। मर्डर तो ऊपर ही हुआ है लेकिन वो भाग कर नीचे ही गया है। नो क्लू। पॉइंट ऑफ एंट्री पॉइंट ऑफ एग्जिट होने से क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ नीचे से ही क्यों, कहीं से भी भाग सकता है। करेक्ट। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू फॉलो करना बेटर है। ये तो बेसिक सेंस है, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। पहले तो ठीक से कॉफी बनाना सीख ले उसके बाद एडवाइस करना। कब लेकर जा? ब्लडी इंटर्न, फॉरेंसिक में मुंह उठाकर चला आया। ये तुम क्या कर रहे हो यामू? एज पर दी फॉरेंसिक्स, इस स्पेसिफिक केस को अगर पुलिस ही हैंडल करे तो ये केस सॉल्व हो सकता है। कथा कहीं का? मुझे इसने नहीं बोला होगा। तुम्हें ही। मम्मी पापा की लव मैरिज थी, माँ के घर वाले नहीं माने, घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की। माँ एक बैंक एम्प्लॉय थी और पापा लॉयर थे। शादी के 6 साल बाद ही दोनों में कंपैटिबिलिटी इश्यूज होने लगे। आपसी मतभेद। तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हें पैसे कमा के घर चलाने की कोई जरूरत नहीं है, घर में रह के बच्चों की देखभाल करो। मैं कब से गला फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, कुछ बोलती क्यों नहीं हो?
पागल हो गई हो क्या? तुम डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो? एक बार अच्छे से सोच तो लो भारती। पहले ही 100 बार सोच चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मैं अपना फैसला बदल पाऊंगी। अब सोचने का कोई फायदा नहीं। पापा के पास मैं, मम्मी के पास मैं। लव यू बेटा। लव यू मम्मी। हे थैंक यू मम्मी। बाकी सब तो ठीक है, तेरी माँ जुआ भी खेलती थी? इस बारे में कुछ बता, सुनने में कुछ फ्रेश लगेगा। उसने बताया ना, होश नहीं बचेगा वो। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। बैठाओ उसे, बैठाओ वहां पे। शांत हो जाओ, बैठ जा, चल बैठ। इतने मर्दों के बीच में क्लब में जाके जुआ खेलना कोई मामूली बात है क्या? बच्चों को स्कूल से घर ले जाते हुए तो बहुत माओं को देखा है, लेकिन जुआ खेलने के लिए साथ ले जाना पहली बार देख रहा हूं। मेरी माँ यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट है। ग्रेजुएशन के बाद नौकरी खुद चलकर आई थी, बैंक ऑफिसर की। अगर कोई जरूरतमंद हमारे घर आता तो मेरी मां हर मुमकिन मदद करती। ये सब बताया नहीं उस कमीने ने? चीजें खाने से मना किया है ना बेटा, अब देखो क्या हालत हो गई। भूख लगी थी मम्मी। सॉरी बेटा, कल से मम्मी क्लब बिल्कुल नहीं जाएंगी, ठीक है ना? माँ को उसकी लत कब लगी मुझे और पापा को समझ में नहीं आया। ना समझने वाली कौन सी बात है? शादी के बाद मेरी मां की लाइफ बर्बाद हो गई। दर्द, गुस्सा, इन्हें औरत और मर्द में फर्क नहीं पता। तुम में से ऐसा कौन है जो रिश्वत के पैसों से अपने बच्चों को चॉकलेट नहीं खिलाता? तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें पापा बुलाना बंद कर देंगे। माँ, इतनी कोशिश करने के बाद भी मैं हर बार नाकामयाब हो जाती हूँ बेटा। बहुत मुश्किल हो रही है मुझे ये आदत छोड़ने में। मैं हार गई हूँ। इस महीने की सारी पगार मैं हार चुकी हूँ बेटा। मैं क्या कर रही हूँ ये मुझे खुद नहीं पता। तुम आकाश का केस छोड़कर हमारे गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? जो काम करना है वो करो ना। सिद्धार्थ कंपल्सिव लायर है, झूठ उसकी जुबान पर होता है, जितना दिखता है उतना सीधा नहीं है। एक साल साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट के लिए गया था। बताया क्या? क्यों बताऊंगा। थाने के हॉस्पिटल में फोन करके पूछ लीजिए। 2006 जून से 2007 जून तक एक साल के लिए हॉस्पिटल में कौन था, वहां ट्रीटमेंट किसने ली थी, वो सब बता देंगे। हाँ पूछ लो फोन करके, मैं भी वही चाहता। खाने का कांटा वहां के चीफ डॉक्टर के गले में ऐसे घोंप दिया था, लेकिन वो बच गया। 1 महीने तक आईसीयू में पड़ा था। चाहो तो चेक कर लो,
मैं फोन करके पूछ लीजिए मैंने किया था या उसने किया था। इस मर्डर केस में भी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। आपने सही कहा था मैडम, वो लॉयर का बेटा है। डॉक्टर की गर्दन पर वार किया था मैडम। उसका नाम क्या था? पता नहीं मैडम, ये 12 साल पहले की घटना है मैडम। मुझे यहाँ आए सिर्फ 4 साल ही हुए, इस बारे में मुझे दूसरों से ही पता चला। और वो डॉक्टर? उनके गले में चाकू भोंका था ना, तो उनका बोलना बंद हो गया था। 1 साल पहले वो भी मर गए। पेशेंट को एडमिट करते समय उनकी डिटेल्स तो ली होंगी ना? लेते हैं मैडम, लेकिन बिल्डिंग में आग लगने की वजह से वो सारी की सारी फाइल्स जल गई, बाकी सब कुछ स्टोर रूम में रखा है। मैं ढूंढता हूँ मैडम, कुछ मिलेगा तो आपको फोन कर दूंगा। ठीक है। इतना काफी है। हाँ बोल। मैं बहुत परेशान हूँ सारथी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं तेरा ही काम कर रहा हूँ, एक सुराग मिला है मुझे, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बाद में फोन करता हूँ। असल में आदित्य की प्रॉब्लम क्या है? माँ के मरने के बाद घर आने से पहले वो ऐसे ही बन गया था, हद से ज्यादा गुस्सा, डिस्टर्ब, फ्रस्ट्रेटेड, समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई? जॉन्डिस, पापा ने बताया था। तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई? जॉन्डिस। झूठ बोल रहा है ये। उसकी माँ की मौत के सच के बारे में सिद्धार्थ नहीं जानता, पर आदित्य को पता है। लड़का जवान हो रहा है और वो गैर मर्दों से पैसे कमा रही है। हमें क्या करना है? हाँ, मुझे तो तरस आता है। मम्मी, तुम भारती के बेटे हो ना? मैं और तुम्हारी मम्मी कोलीग्स हैं। क्लब में बेहोश होकर गिर गई थी तो उन्हें डॉक्टर से दवाई दिलवाई है। दवाइयाँ टेबल पर रखी हुई हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन करना। ओके, बाय। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी माँ वैसी औरत नहीं है। मुझे तो गुस्सा द्वेष क्या होता है ये पता भी नहीं था। ऐसी फैमिली में पैदा हुई थी मैं। पापा को हमारी खुशी से ज्यादा इस बात की फिक्र रहती थी कि 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। इन बातों से तंग आकर कहीं दूर जाने का फैसला कर लिया था मैंने, और तभी तुम्हारे पापा से मिली। मैंने घर छोड़ दिया, उनसे शादी कर ली, लेकिन एक पिंजरे से निकलकर दूसरे पिंजरे में कैद होने वाली थी। मुझे पता नहीं चला, वहां मैं अपने पापा से कोई सवाल नहीं कर पाई, और यहाँ तुम्हारे पापा कुछ पूछते थे तो मैं जवाब नहीं दे पाती थी। फिर तुम्हें लेकर मैं वहां से निकल गई, लेकिन मेरे अंदर छुपे एक सवाल ने मुझे धीरे धीरे तोड़ दिया था। दर्द और गुस्से ने कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। औरत और मर्द का फर्क इंसान को तो पता है, लेकिन दर्द और गुस्से को नहीं पता। मेरी इस आदत ने मुझे बर्बाद कर दिया। कम से कम खेल में तो मैं नहीं हारूंगी, ऐसी ही उम्मीद रहती थी, पर पता नहीं कब मुझे इस
इसका नशा होने लगा। पर मेरा बेटा आधी रात को उठकर चुपचाप दूसरे रूम में जाकर रोता है और मैं ही उसके रोने की वजह हूँ। पर बेटा, मेरे यहाँ होने का कारण मेरे पापा और तुम्हारे पापा ही हैं, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी तरह से मुझ पर है। तुम्हारी कसम बेटा, मैं आज के बाद क्लब के रास्ते पर भी नहीं जाऊंगी। लव यू बेटा। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। स्कूल के बाद फुटबॉल मत खेलना, वहां से सीधे घर आ जाना। मैं तुम्हारी पसंद की मिठाई बनाऊंगी और शाम को हम शॉपिंग जाएंगे, ठीक है बेटा? एक रास्ता पसंद नहीं आया तो दूसरे रास्ते चली गई, लेकिन तुम्हारी माँ ने कभी गलत काम नहीं किया बेटा। तुम्हें मेरी कसम है बेटा, तुम सीधे घर आओगे। यकीन करो, अगर मेरी बात तुम्हें सच लगी तो स्कूल के बाद सीधे घर आना, खेल मत जाना। माँ के मरने के बाद पापा आदित्य को हमारे घर लेकर आए। मेरे पास वो सब था जो उसके पास नहीं था। उसे ये देखकर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगा। पापा मेरा ख्याल नहीं रखते थे। उनके पास होते हुए भी ऐसा लगता था उनसे दूर हूं। सिद्धार्थ मेरा भाई है, इसका कभी एहसास ही नहीं हुआ। जहां मेरी माँ नहीं, वो मेरा घर नहीं। पता ही नहीं चलता कि वो कब आता और कब जाता। जिस स्कूल में एडमिट करते वहां से सस्पेंड हो जाता। आदित्य, आदित्य, चलो पापा, उठ, उठ यहां से। छोड़ो पापा, क्या कर रहा था? अपने माँ की सारी गंदी आदत सीख ली है तूने। मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलना, मेरे पापा पर हाथ उठाएगा तू। सिद्धार्थ, मेरे पापा को मारेगा। मारना, रुक जाओ। मार, आदित्य क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मैं बोल रहा हूँ छोड़ो उसे। देखो, रुक जाओ, रुक जाओ। जान से मार दोगे क्या? पागल हो गए हो दोनों। मार के बदले तुम दोनों मर गए होते तो ज्यादा अच्छा होता। आदित्य रुक जाओ। पापा की ख्वाहिश थी कि मैं लॉ की पढ़ाई करूं, पर मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। आदित्य ने लॉ ज्वाइन किया, लेकिन पापा के प्यार के लिए नहीं, मेरे लिए जो गुस्सा था उसके लिए। फिर एक साल में ही उसने कॉलेज छोड़ दिया। वो हमेशा मुझसे एक कदम आगे रहना चाहता था। मुझे 3 languages आती हैं, उसने 6 languages सीख ली। जब पैसों की जरूरत पड़ती थी तो घर आकर खुद ही निकाल लेता था। जब मैं फाइनल ईयर में था तब पापा गुजर गए। उसके और मेरे बीच में जो आखिरी कनेक्शन था वो भी कट हो गया। उसकी लाइफ उसके, मैंने भी सोचा उसकी लाइफ उसकी, पर वो मुझे फॉलो कर रहा था। मुझे ये कुछ दिनों बाद पता चला। महिमा मेरे लिए लकी साबित हुई। जिस प्रोजेक्ट को कई सालों से हासिल नहीं कर पा रहा था, महिमा के आते ही वो मुझे आसानी से मिल गया। टोटल 160 फ्लैट्स हैं, 63 BHK, रिमेनिंग 2 BHK। इतनी जल्दी लूटना शुरू कर दिया? सफिशिएंट कॉरिडोर स्पेस है, वेंटिलेशन, जरा संभल के।
अगर कोई रहना चाहे तो जो फैसिलिटीज एक्सपेक्ट करता है वो सारी उसे मिल जाएंगी, और वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। लूटने वाले काफी लोग मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहो तो लोगों को पसंद नहीं आता। पापा की सेविंग्स, मेरी सेविंग्स, सब इसमें इन्वेस्ट कर दिया है। मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा ये प्रोजेक्ट, अगर फेल हुआ तो। hey, सिर्फ तुम्हारे प्यार में ही नहीं बल्कि तुम्हारे काम करने के तरीके में भी तुम्हारी जेन्युइनिटी दिखाई देती है। इधर इधर से किया हुआ काम कभी फेल नहीं होता। आदित्य ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, हमारी लाइफ बिल्कुल ऑपोजिट थी। He was unclear, hopeless. ऊपर से दारू, सिगरेट, gambling. लड़कियों के बारे में उसका ओपिनियन अलग है। उसकी लाइफ का वन एंड ओनली ऑब्सेशन मैं हूं। कैसे भी करके मेरी लाइफ को डिस्टर्ब करना, सिर्फ यही उसका मकसद रहा है। महिमा के लिए जो डायमंड रिंग ली थी कहीं मिल नहीं रही, मतलब जरूर उसी का काम होगा। डिपार्टमेंट में कोई पहचान का है क्या? मैं दिखता हूं। ए, ऑफिशियली नहीं करना है। हाँ, समझ गया। वही है सिद्धू, हमने बहुत कोशिश की सर। अगर ज्यादा मारेंगे तो वो मर जाएगा, उस रिंग और उसमें कोई संबंध नहीं है। ओके, आप लोग जाइए। अपने कबर्ड के वॉच के ड्रॉअर को खोल। रिंग है ना, मां की फोटो तेरे पास रह गई थी, उसी को लेने के लिए आया था। मेरे शरीर के जिन हिस्सों को इन्होंने मारा है उन सब की कसम खा के कहता हूं, तुझे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। गलती कर दी तूने, इस बार गुस्सा पहले जैसा नहीं है। जब मेरा खून खौलने लगता है सब खत्म हो जाता है। उस इंसिडेंट के बाद मैंने उसे आज देखा। सारी बातें अपने दिल में रखकर मुझे इस केस में फंसाना चाहता है। मैडम, मुझे लग रहा है कि ये जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है। सर, ये झूठ बोल रहा है सर। अगर इसने खून नहीं किया तो भागने की कोशिश क्यों किया? हाँ सारथी। अरे नागेंद्र, सिद्धार्थ तो गया। एक मिनट रुक, काम खत्म हो गया है, जल्दी से ऑफिस में आ जा। भूपति सर, आप दोनों को सीआई साहब बुला रहे हैं। सुधा, ए चल साथ में। राघव। मैडम। क्या हुआ? पता नहीं मैडम, सीआई सर ने दोनों को बुलाया। ठीक है, तुम वेट करो। ओके मैडम। इतना सब बोल दिया पर सीआई सर ने एक सवाल किया था उसका जवाब नहीं दिया। रजिस्ट्रेशन करना है कहकर पार्टी से निकले थे पर दूसरे दिन रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं पहुंचे। कहां थे? कोई बात नहीं, बोलो। 9884 8843 श्वेता, सीआई सर की बेटी। हाँ मैम। उस दिन मैं और मेरे हस्बैंड सिद्धार्थ से मिलने के लिए मुंबई आए थे।
दरअसल हम फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे और तब सिद्धार्थ ने ही हमारी हेल्प की थी। क्यों, क्या हुआ मैम? नथिंग। अगर बेटी के बारे में ये पता चल गया तो सीआई सर उसे छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए नहीं बताया। सीआई सर कहाँ हैं? फोन पे बात करके भूपति और सुधाकर के साथ बाहर गए हैं मैडम। सुनो मैडम, किसी को बिना चाबी के दरवाजा खोलना आता है? हम सबको आता है मैडम। कार की चाबी कहाँ है ढूंढो। ओके मैडम। क्या सिद्धार्थ पर आप अभी तक भरोसा नहीं कर पा रही हो? मर्डर जिस दिन हुआ उस दिन कार का टायर पंक्चर होने की वजह से वो घर 3 घंटे लेट पहुंचा, ये साबित करने के लिए हमारे पास कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। कैब सर्विसेज में मैडम कार कीज। अभी पता चल जाएगा कि असली कातिल कौन है। कार का टायर पंक्चर हो गया था। जेन्युइनली मैडम टायर पंक्चर हुआ था। तुझसे पुलिस पूछताछ करेगी। क्या कहा? 2 तारीख को तुझे तेज बुखार था, मैं तेरे साथ बाजू में ही था, यही बोलना, उसके बाद यहाँ से भाग जाना, कहीं भी 2 दिन से ज्यादा मत रुकना, चलते रहना। पुलिस आएगी सवाल करेगी तूने ऐसा क्या किया, बाप जी को पैसे कहाँ से दिए तूने? जितना बोला उतना कर। गाड़ी में डीजल है या नहीं पहले नहीं चेक कर सकते? सॉरी मैडम, 5 मिनट में लेके आता हूं। जाओ। ओके मैडम। बोलो राघव। मैडम। हाँ बोलो। ये खून आदित्य ने ही किया है। आकाश ने मरने के 4 दिन पहले अपने अकाउंट से 11 लाख रुपए निकाले थे। उसके दोस्त धर्मा ने लोकल गुंडे से कुछ पैसे उधार में लिए थे, जिसे आदित्य ने मर्डर होने के ठीक दूसरे दिन ब्याज के साथ वापस लौटा दिया था, और कल रात को ही धर्मा घर छोड़कर भाग गया। आज शाम को ही यह खबर सीआई सर को मिली मैडम। आपको पता चला तो वो जो करना चाह रहे हैं नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको नहीं बताया। तुम्हें कैसे पता? जिस रात को खून हुआ था उसी रात बाजार के ज्वेलरी शॉप में बहुत बड़ी चोरी हुई थी मैडम। ये चोरी किसने की पता नहीं, अनसॉल्व्ड केस। वो चोरी आदित्य ने ही की है, ये साबित करके केस को मिसलीड कर रहे हैं सीआई सर। आसानी से बच जाएगा। सीआई सर अपना बदला लेने के लिए किसी भी तरह इस केस में सिद्धार्थ को फंसाना चाहते हैं, बस यही बात है मैडम। जल्दी रख। क्यों सर? तेरे भले के लिए। भूपति, आकाश का मर्डर हुआ उस रात को उसके लॉकर में 11 लाख रुपए थे जो चोरी हो गए। दूसरे दिन सुबह सुबह बाप जी नाम के आदमी को 9 लाख रुपए दिए और अपने फ्रेंड धर्मा को बचाया। यह पॉइंट काफी नहीं है तुझे मर्डरर साबित करने के लिए? वो पैसे मैंने जुए में जीते थे सर। क्या कहा? वो 9 लाख रुपए मैंने जुआ खेल कर जीते थे सर। रतनलाल, हमारे गेस्ट हाउस में महीने के आखिर में पोकर खेलते हैं, मिनिमम एंट्री 1 लाख है सर। 2 तारीख की रात को आदित्य आया था सर, सुबह तक खेलकर 10 लाख रुपए जीत कर भी गया था। कोर्ट में ये बात बोलोगे क्या? बोलूंगा सर, वैसे अपने गेस्ट हाउस में एसीपी सर भी आते हैं। थैंक यू सर। सर केस सॉल्व्ड, सिद्धार्थ ही कल्प्रिट है। ओके केस सॉल्व्ड, आदित्य ही कल्प्रिट है। कान के साथ दिमाग भी बंद है क्या? स्टेशन से फोन आया था सर, उस दिन उसकी कार का टायर पंक्चर हुआ था तो एक कैब ड्राइवर ने उसकी मदद की थी, अभी वो कैब ड्राइवर स्टेशन में ही है सर। क्या सर, इतनी अच्छी खबर दी तो आप तो चुप रहो। सारी कैब सर्विसेज को इन्फॉर्म किया हुआ था सर, सबसे इंक्वायरी भी कर ली थी सर, जिनसे नहीं की थी उन्हें पुलिस स्टेशन आने को कहा था। 2 दिन के बाद ये गोवा चला गया था और वापस आते ही अपने पुलिस स्टेशन आया। सिद्धार्थ की कार का टायर पंचर हो गया था तब इसने ही मदद की थी। इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है क्या? हाँ सर। जिस दिन खून हुआ था उस दिन आदित्य गेस्ट हाउस में आकर जुआ खेल रहा था, इस बात की पुष्टि खुद सेठ ने की है, तो आकाश को आदित्य ने नहीं मारा। खून हुआ उसी टाइम पर सिद्धार्थ की कार का टायर पंक्चर हुआ तो उसकी मदद करने के लिए जो ड्राइवर आया वो गवाह है, तो आकाश को सिद्धार्थ ने भी नहीं मारा।
दोनों को कोर्ट में पेश करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। कोर्ट को ही डिसाइड करने दो। जहां से हमने शुरुआत की हम फिर वहीं आ गए। क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। केस 7 महीना तक चला, आखिरकार जजमेंट आ ही गया। आदित्य सिद्धार्थ। कोर्ट ऐसा फैसला सुनाएगी ये सोचा नहीं था। तुम दोनों में से कोई एक गुनहगार है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन इस बात का पता लगाने में प्रोसिक्यूटर के साथ साथ पुलिस को भी नाकामयाबी हासिल हुई। जिसने भी गुनाह किया है उसे सजा देने के लिए कानून बाध्य है। लेकिन गुनहगार का पता नहीं तो क्या किया जाए। दोनों को सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि दोनों में से कोई एक निर्दोष है। 100 गुनहगार अगर बच जाते हैं तो चलेगा, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, और ये बात हमें कानून सिखाता है। अब मेरे सामने जो सबूत है उसे देखकर ही फैसला करना होगा। आर यू द वन हु इन्वेस्टिगेटेड दिस केस? यस योर ऑनर। ये डिपार्टमेंट के लिए ब्लैक मार्क है। आकाश के केस में गुनहगार कौन है ये साबित ना होने की वजह से इस केस के सस्पेक्ट्स सिद्धार्थ और आदित्य इन दोनों को कोर्ट बरी करती है। क्या दोनों को रिहा कर दिया सर? हाँ बेटी। तो फिर इन दोनों में से असली खूनी कौन था सर? पता नहीं बेटी। पता नहीं। पता नहीं। मैडम पूरा सामान ऊपर के फ्लोर में शिफ्ट कर रहे हैं, आपकी कुछ फाइल्स रह गई। ओके। ये फोटो सिद्धार्थ के घर वापस रखने को कहा था ना? सॉरी मैडम भूल गया था। दे दीजिए मैडम, मैं राघव के हाथों भेज दूंगा। वो लड़की है क्या? 7 महीने तक केस चला फिर भी ये लड़की सिद्धार्थ से मिलने एक बार भी नहीं आई। जब उसके घर से ये फोटो मिली थी तभी ही मैंने उससे पूछा था। उसने कहा मर्डर का चार्ज लगा है और जेल गया है इसलिए ब्रेकअप हुआ। क्या हुआ मैडम, आप क्या सोच रही हैं? पहली बार जब सिद्धार्थ को इंक्वायरी के लिए यहाँ लेकर आए थे तभी उसे फोटो एविडेंस दिखाकर पूछा था, याद है? क्या हुआ, याद है कि नहीं? जी याद है। जब उसने वो फोटो देखी तब वो चुपचाप खड़ा रहा, ये भी नहीं कहा कि ये उसका जुड़वा भाई है। कहीं तो कोई पॉइंट हमसे मिस हो रहा है। आंखों के सामने है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो, यामिनी बोल रही हूँ, अंधेरी स्टेशन SI। बोलिए मैम। आकाश कॉलेज में किसी से प्यार करता था और उसने ना कहा था? हाँ मैम। लड़की का नाम क्या था? महिमा। फ्रेंड की शादी के लिए महिमा दिल्ली जा रही थी पर वो कभी वहाँ नहीं पहुँची। बहुत कॉल किए मैंने सर पर उसने स्विच ऑफ करके रखा था। सिद्धार्थ सॉरी टू से दिस, तुम्हें इस बारे में बताना नहीं चाहती थी पर अब सिचुएशन ही ऐसी हो गई है। मुंबई से निकलने के बाद महिमा अगले स्टेशन पर किसी और के साथ उतर गई थी। शायद वो लोग अच्छे दोस्त थे। मैं महिमा को अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसी लड़की नहीं है। उस लड़की ने अपनी आंखों से देखा था सिद्धार्थ। तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, उसके पीछे टाइम वेस्ट मत करो, उसे भूल जाओ। अगले स्टेशन पर किसी और के साथ उतरी थी ना, उसका नाम जानती हो?
आकाश महिमा के साथ कॉलेज में था। महिमा के ड्रिंक को स्पाइक कर दिया था। अनकॉन्शियस होने के बाद उसे अपने साथ बीच के गेस्ट हाउस में ले गया। ड्रग्स इंजेक्ट करके मैंने उसके साथ दो दिन खूब मजे लूटे। Nobody ever says the word no to me. उसके बाद ड्रग का ओवरडोज देके मैंने उसे जान से मार दिया और 10 लाख देकर केस का नामोनिशान मिटा दिया। मरने से पहले तेरा ही नाम लेकर मरी थी वो। मैडम, ये थाड़े के मेंटल हॉस्पिटल से आया है, उसको सारी डिटेल्स तो नहीं मिल पाई लेकिन चीफ डॉक्टर की पर्सनल फाइल से आदित्य और सिद्धार्थ से रिलेटेड कुछ पेपर्स भेजे हैं मैडम। ट्रीटमेंट किसका हुआ था मैडम, आदित्य का या सिद्धार्थ का? दोनों का। सच में मैडम, सिद्धार्थ 3 महीने तक और आदित्य 1 साल तक था। 16 साल की उम्र में इन दोनों ने एक दूसरे को मार मार के हालत खराब कर दी थी मैडम। रिपोर्ट में जो चीफ डॉक्टर ने लास्ट टाइम लिखी है ना मैडम, वो बड़ी आपको सब समझ में आ जाएगा। दोनों एक दूसरे को जान से मारते, इतना गुस्सा होने के बावजूद किसी एक पर प्रॉब्लम आए तो दोनों एक हो जाते हैं। पुलिस स्टेशन से भाग रहा था तब तुमने मुझे रोका, तुम पर बहुत गुस्सा है, तुम मेरी मदद करने आए हो ये बाद में समझा। तू आकाश को मारने के लिए 1 महीने से पूरी तैयारी कर रहा था, मैं समझ गया। तूने कहीं कोई एविडेंस नहीं छोड़ा, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन को मैं फॉलो कर रहा था। फोटो एविडेंस जिसकी वजह से तुझे अरेस्ट किया, एयर टाइट केस था, या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर फांसी। अगर मैं अंदर नहीं जाता तो तू बाहर नहीं निकल पाता। रुक रुक, कहाँ जा रहा है? रुक, गाड़ी में डाल इसे जल्दी। इसकी फोटो हर पुलिस स्टेशन में भेजी थी ना मीरा रोड के पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने, इसे यहाँ भेजा है सर। तुझसे पुराना बदला लेने के लिए वो नागेंद्र किसी भी हद तक जा सकता था, अब तो नहीं बचेगा। और वो सिया है, चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मैं सोच ही रहा था कि उससे कैसे निपटे, और तभी मुझे मिली यामिनी।
क्या हुआ मैडम? उसके बारे में सब कुछ जानकर ही मैंने पुलिस स्टेशन में एंट्री की। स्टेशन में अंदर आते ही उसने मेरे साथ गेम खेलना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ पर डाउट ना हो इसलिए मेरा सारा फोकस अपनी ओर खींच लिया और मुझे डाइवर्ट कर दिया। इडियट! वो पहले ये केस में अक्यूज की मदद करने के लिए 3 महीने सस्पेंड हुई थी। काम में बहुत सिंसियर है पर नेचर से बहुत सॉफ्ट है। खुद की नेगेटिव इमेज दिखाई ताकि वो तुझे हेल्प करे और उसने वही किया। उस कैब ड्राइवर का इंतजाम मैंने ही किया है, ये बात किसी को पता ना चले। यामिनी ने अगर केस रीओपन किया तो अब तक पता चल गया होगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगी क्योंकि उसी ने तेरे लिए सारा फेक एविडेंस तैयार किया। नौकरी से तो निकाली जाएगी, साथ में जेल भी हो जाएगी, इसीलिए ये केस उसकी तरफ से क्लोज्ड है। किसने गेम खेला बताइए ना मैडम। किसी ने नहीं। जब बचपन में उस हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर को हम में से किसने मारा था ये पता नहीं लगा पाए तो उन्होंने दोनों को सजा दी थी, बट कोर्ट में ऐसा नहीं होता। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चूहा था, रिस्क बड़ा था और मैं जीत गया। मेरे लिए इतना रिस्क क्यों उठा? तेरे लिए नहीं यार, माँ के लिए। माँ के बारे में तो बहुत कम जानता है। मेरे लिए कुछ खरीदती थी ना तो तेरे लिए भी लेती थी। तुझे याद करके रोज रोती थी। मेरे साथ होने की खुशी थी, तेरे ना होने का गम भी था। तू और मैं दुनिया के लिए अलग अलग हैं, पर ये दुनिया दिखाने वाली माँ के लिए एक थे। माँ जिंदा होती तो वो जो करती वही मैंने किया। मुझ जैसे भटकते बंजारे को भी एक सही रास्ता मिला, गायत्री। अब सब कुछ छोड़ दिया, उससे शादी करके नई जिंदगी शुरू करूंगा। और तू? दिल्ली जा रहा हूं, वहां से सीधा कोपेनहेगन। वापस आने का सोचा नहीं। शायद हम आखिरी बार मिल रहे हैं। मैं जब भी उन रास्तों से गुजरता महिमा की यादें मुझे घेर लेती। ऐसा लगता जैसे वो मेरे आसपास ही है। उसके जाने के बाद भी मैं उससे कभी दूर नहीं हो पाया। अब मेरी जिंदगी में बस उसकी यादों का ही सहारा है। पापा समझ नहीं पाए, मेरे पापा समझ नहीं पाए और आखिर में मैं भी समझ नहीं पाया।
अगर उस दिन मैं उन्हें समझने में गलती नहीं करता तो शायद आज वो साथ होती। खो दिया उन्हें। रामायण को मर्द के बदले किसी औरत ने लिखना चाहिए था। औरतों पर शक करने की सोच वहीं पर खत्म हो जाती। आखिरी दम तक तुम्हें समझने की मैं कोशिश करूंगा।